लॉजिस्टिक एजेंट्स होते हैं, जैसे कि HCL, HBR, HR, ये नाम मेटेलिक हाइड्राइड्स है लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। मेटेलिक हाइड्राइड जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड, सब ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। प्रोडक्ट्स कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सी एसिड क्या होता है, लो होता है, वो कंपाउंड्स जिनमें सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सी एसिड लो होता है, अगर हाई हो गया तो ऑक्सी एजेंट होगा, लो हो गया तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सेंट्रल में एटम का अगर ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया, हाई हो गया फाइनल, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर लोएस्ट हो गया तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि आयरन का लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, प्लस टू, आयरन का लोएस्ट क्या है, प्लस टू, और हाईएस्ट क्या है इसका, प्लस टू, तो हम कहेंगे प्लस टू में वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, लेकिन प्लस थ्री में वो सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग। तो कंपाउंड्स जो अपने लोअर ऑक्सीजन स्टेट में क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और हायर में क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कॉपर, जो कॉपर है प्लस वन में मिलता है और इसका फाइनल क्या होता है, प्लस टू, मतलब कॉपर फाइनल इसमें आपको मिलता है, इसका लोएस्ट क्या है, प्लस वन। यहाँ देखो, यहाँ कितने कॉपर हैं, दो हैं, ऑक्सीजन कितने, एक, एक ऑक्सीजन माइनस टू है, तो कितने कॉपर हैं, दो, तो एक कॉपर क्या होगा, प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन, तो यहाँ लोएस्ट में है, तो ये कॉपर एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो हम कहेंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह दूसरा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो भी क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, जैसे कि फार्मिक एसिड है, ऑक्सलिक एसिड है, फार्मिक एसिड है, ऑक्सलिक एसिड है, फार्मिक एसिड है, ऑक्सलिक एसिड है, और उसके साल्ट्स, और एल्डिहाइड्स भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, और अल्केन्स भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। उसके बाद हम करेंगे वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों को काम करते हैं, सब्सटेंसेस दैट एक्ट एज ए बोथ, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग दोनों को काम करते हैं। तो आप ऑक्सीजन को माइनस टू मानो, सही है, हैलोजन्स को आप माइनस वन मानो, किसी भी आपके सारे सवाल हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा, मैं इसको समझने के लिए थोड़ा ग्रुप कर देता हूँ, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7, ये तो कुछ एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट्स हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है। ग्रुप टू में कौन से हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बैरियम है, कुछ मैन है। और ग्रुप थ्री में मैन लिखूँगा कौन सा है, बोरान है, और दूसरा इसमें एल्यूमिनियम है, जर्मेनियम है, छोड़ो इसको। ग्रुप फोर में कौन सा है, कार्बन और सिलिकॉन, जो कार्बन लिख रहा हूँ। ग्रुप फाइव में कौन से हैं, ग्रुप फाइव में नाइट्रोजन है और दूसरा क्या है, फॉस्फोरस। ग्रुप सिक्स में कौन से हैं, ऑक्सीजन और सल्फर, कॉमन। ग्रुप सेवन में कौन से हैं, ग्रुप सेवन में कौन से हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, ये चार जो कॉमन है उसको लिखते हैं। अब इसी के बेस पे आप बता सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या दोनों का कर सकता है, दोनों का कर सकता है। तो ये आपके ए वाले हैं। और कुछ ट्रांजिशन मीटर्स कहते हैं उसके देखते हैं। हम कहते हैं कि मैंगनीज एक है, मैंगनीज, दूसरा है क्रोमियम, और आयरन, कॉपर, हाँ कॉपर है, आयरन है, और मर्क्यूरी है। मैं इनका आपको डायरेक्ट बताता हूँ, सही। अब जो मैंगनीज है वो 7B में है, मतलब इसका ग्रुप कौन सा है, 7B, मतलब ये 7B है, 7B। और जो क्रोमियम है वो 6B है। आयरन जो है वो इसका जो मैक्सिमम स्टेट कितना होता है, प्लस 3, और मिनिमम कितना होता है, प्लस 3। कॉपर का मैक्सिमम क्या होता है, प्लस 2, और मिनिमम क्या होता है, प्लस 1। और मर्क्यूरी प्लस 1 होता है या प्लस 2 होता है, बस ये जिक्र है। मैंगनीज 7 में है, मतलब ये कहाँ तक जा सकता है, प्लस 7 तक जा सकता है बस। और कॉपर क्रोमियम 6 में है, तो कहाँ से जा सकता है, लास्ट, इस तरह से। इसको देख मेरा को आपका ये सारा इजी है, जो मैंने हमें पढ़ा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, किस तरह है, सारा इसी से पहचान सकते हैं, इसको डायरेक्ट आप कर सकते हो।
ग्रुप वन में इनका सिर्फ क्या होगा, +1 +1। ग्रुप टू वाले सारे क्या होंगे, +2 +2। अब जो ग्रुप थ्री वाले क्या होंगे, +3 +3। कार्बन +3 भी होगा, -4 +4 भी होगा, -4 भी होगा, सिलिकॉन में स्थिर। नाइट्रोजन फाइव में है, तो इसका क्या, इसको अब थोड़ा लिखा जाता है। अब जो कार्बन है, ये कार्बन क्या हो सकता है, -4 भी हो सकता है और कार्बन +4 भी हो सकता है, मतलब इसके रेंज में है। नाइट्रोजन फाइव में है, नाइट्रोजन -3 हो सकता है, फास्फोरस -3 कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, पाँच में ज़्यादा से कितने हो सकते हैं, +5 +5, उससे ज़्यादा नहीं। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस में है, ये सल्फर को देखते हैं, सल्फर 6 में है, तो सल्फर कम से कम क्या हो सकता है, स्टेट -2, कम से कम लोएस्ट स्टेट, और ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा ग्रुप क्या 6 है, तो ज़्यादा क्या हो सकता है, +6। सल्फर कम से कम -2 है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, +6। और ऑक्सीजन मोस्टली -2 होता है, लेकिन परऑक्साइड में क्या होता है, वो -1 होता है, और सुपरऑक्साइड में क्या होता है, -0.5 होता है, लेकिन फ्लोरीन के साथ ये +2 में होता है, जैसे कि OF2। तो यहाँ ऑक्सीजन आपको +2 मिलेगा, लेकिन जनरली ऑक्सीजन क्या होता है, -2 होता है और परऑक्साइड में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में हाफ, लेकिन आपको इसको देना है, क्योंकि जनरली आपके जो कंपाउंड्स है इस टाइप के होंगे, जैसे -2 होगा, सिर्फ फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन प्लस में होगा बस। तो मतलब सल्फर की मिनिमम स्टेट क्या होगी, -2, और मैक्सिमम क्या होगा, ग्रुप नंबर +6। इसी तरह फ्लोरीन हमेशा क्या होगा, -1, फ्लोरीन हमेशा -1, मतलब बढ़ेगा ना कम होगा। जो Cl है ये -1 होगा, Br -1 होगा, I -1 होगा। अब जो Cl है, F -1 ही है बस, बाकी आगे नहीं जाएगा, तो फ्लोरीन आपका सिर्फ -1 ही रहेगा किसी भी कंपाउंड में। लेकिन जो Cl है -1 भी है, लेकिन वो बढ़ भी सकता है, कहाँ तक जा सकता है, +7 तक। हम कहेंगे Cl जो है वो फाइनल स्टेट क्या है Cl का, Cl माइनस से कहाँ जा सकता है, मतलब लोएस्ट क्या है इसका -1 और हाइएस्ट क्या है इसका +7। इस तरह ब्रोमीन -1 है, तो लास्ट में कहाँ से 7 पे जा सकता है। तो कोई भी एलिमेंट अपना स्टेट कैसे बढ़ा सकता है, ग्रुप नंबर के हिसाब से, और जिसका लोएस्ट ये है हाईएस्ट ये है, इसी को ध्यान में रखो। आपको हर चीज़ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानना इतना मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट आप इसको पहचान सकते हो आप। तो नाइट्रोजन पाँचवें ग्रुप में, ये नाइट्रोजन फर्स्ट पार्ट, हम कहेंगे नाइट्रोजन का मिनिमम स्टेट क्या है, -3, और मैक्सिमम क्या होगा, जो इसका ग्रुप नंबर है, +1। फास्फोरस का मिनिमम -3 है, तो मैक्सिमम क्या होगा इसका ग्रुप में। इसी तरह ग्रुप 4 में जाओ, कार्बन, कार्बन का मिनिमम क्या होगा, -4, तो मैक्सिमम क्या होगा इसका, +4, इससे आगे नहीं जाए। बोरान का क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, माइनस, इसका क्या होगा मिनिमम, और ये मैक्सिमम कितना देख जाएगा, +3 से ऊपर नहीं जाएगा, तो ये हमेशा पैटर्न होगा। तो यहाँ देखो मैंगनीज मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, +7 तक, और क्रोमियम मैक्सिमम +6 तक, आयरन मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, +3, इससे आगे नहीं, +2 इसका लोएस्ट है। इसी तरह अब जो है वो ये कापर, कापर का मैक्सिमम +2 है और लोएस्ट +1 है, मर्करी का लोएस्ट +1 है, हाईएस्ट क्या है, +2, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब इसी को सामने रख के आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कर सकते हो। हमने कहा अगर एलिमेंट अपने लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में हो, कोई भी एलिमेंट अगर अपने लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है, तो वो क्या होता है, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे देखो ये वाला, यहाँ देखो, यहाँ नाइट्रोजन किस में, हाइड्रोजन क्या है, +1 में, कितने हाइड्रोजन 3 है, तो नाइट्रोजन यहाँ क्या है 3, तो नाइट्रोजन अपने किस में है, मिनिमम स्टेट में है, तो नाइट्रोजन यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ क्या कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। जो एलिमेंट अपने मिनिमम स्टेट में होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो मैक्सिमम स्टेट में होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये देखो यहाँ कापर का मैक्सिमम कितना होता है, +2। जो एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अगर मैक्सिमम में हो गया तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये देखो, यहाँ देखो CuO, इसको अच्छी तरह वापस देखो,
यहाँ देखो काप ऑक्सीजन माइनस टू ये फिक्स है, अगर ऑक्सीजन माइनस टू है तो कापर क्या होगा प्लस टू, तो कापर का प्लस टू क्या होता है मैक्सिमम स्टेट है, तो हम कहेंगे ये क्या होगा यहाँ, ये क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा जो एलिमेंट अपने लोएस्ट स्टेट में, यहाँ देखो ये यहाँ नाइट्रोजन किस में है माइनस थ्री, और माइनस थ्री क्या है इसका लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट, हम कहेंगे ये यहाँ क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, नंबर वन। दूसरा इसका एग्जाम्पल देखो ये वाला, दूसरा देखो मतलब एक चीज, अगर एलिमेंट अपने हाई ऑक्सीजन स्टेट में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर लोएस्ट में है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ देखो H2S, ये H2S है प्लस, इसक्रीशन किसी से भी करवाओ, मैं यहाँ इसके साथ कर रहा हूँ, ठीक है ये चीज। यहाँ मैं लिख रहा हूँ C, यहाँ मैं लिख रहा हूँ H2SO4, यहाँ मैं लिख रहा हूँ CO2, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ H2S, यहाँ से आप इसको पहचान सकते हो। तो यहाँ देखो यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमेशा प्लस वन है, तो हाइड्रोजन प्लस वन है, यहाँ हाइड्रोजन प्लस वन है, कितने हाइड्रोजन दो है, तो सल्फर यहाँ क्या है माइनस टू है। देखो सल्फर सिक्स ग्रुप में है, सल्फर का मिनिमम क्या है माइनस टू, यहाँ मिनिमम स्टेट में है, कोई भी एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट में क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम कहेंगे ये यहाँ क्या है H2S, सल्फर यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है। तो HNO3 ये नाइट्रिक एसिड है, इसमें देखो ऑक्सीजन कितने हैं तीन है, तो मतलब क्या होगा माइनस सिक्स, एक H हटा दो तो ये माइनस फाइव, तो ये क्या हो जाएगा प्लस फाइव। तो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन किस स्टेट में प्लस फाइव, और हमने कहा कि नाइट्रोजन का मिनिमम माइनस थ्री है लेकिन मैक्सिमम क्या है प्लस फाइव, अगर ये प्लस फाइव में है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ मैक्सिमम, ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम कहेंगे ये यहाँ ऑक्सीजन, ये क्या है यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ पहचानो, तो ये अपने माइनस टू में है मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट, तो ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ देखो कार्बन का मिनिमम कितना है माइनस फोर, और मैक्सिमम कितना है प्लस फोर, तो यहाँ देखो ऑक्सीजन दो है तो एक ऑक्सीजन माइनस टू, दो कितना होगा माइनस फोर, तो कार्बन कितना हो जाएगा प्लस फोर, तो कार्बन किस में अपने मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इसी तरह आप जो है वो इसको भी इस तरह पहचान सकते हो, ये देखो KMnO4 प्लस HTS, यहाँ देखो ये देखो K2Cr2O7 प्लस H2S, ये देखो HClO4 प्लस H2S। अब देखो मैं इस कोशिश ही कर रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए, यहाँ इस किस में है ये माइनस टू में, तो ये मिनिमम में है, और यहाँ देखो मैंने कहा मैंगनीज किस में होता है मैंगनीज मैक्सिमम किस में प्लस सेवन, यहाँ देखो कितने ऑक्सीजन चार है, एक ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है माइनस टू, तो चार पे कितने होगा माइनस आठ, तो पोटाशियम ग्रुप वन है उसका प्लस वन ही होगा, तो प्लस वन यहाँ से निकल गया माइनस सेवन रह गया, तो माइनस सेवन को ख़त्म करने के लिए क्या हो जाएगा प्लस सेवन, तो हम कहेंगे यहाँ मैंगनीज प्लस सेवन यानी फाइनल स्टेट में है, जो भी एटम फाइनल स्टेट में होता है वो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये मिनिमम है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सिंपल। अब यहाँ देखो ये मिनिमम में है रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ क्रोमियम कितने हैं मैक्सिमम सिक्स में है, अब देखो ये माइनस फोर्टीन क्योंकि सात ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन माइनस टू तो सात माइनस फोर्टीन है, कितने पोटाशियम है दो, एक पोटाशियम वन ग्रुप है प्लस वन, तो दो प्लस टू होंगे, तो प्लस टू हटा दो यहाँ कितने रहेंगे माइनस ट्वेल्व रहेगा, तो माइनस ट्वेल्व ये कितने दो हैं, तो एक क्या होगा प्लस सिक्स,